हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो दिस इज़ माई टूडेज स्कोर ऑफ प्रैक्टिस मॉक, एंड बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं है बिकॉज आई स्टक इन रीजनिंग समवेयर, दैट्स वाई मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए हैं रीजनिंग में स्पेशली। सो एक्चुअली कल मैंने जो ग्रेड अप का लाइव मॉक टेस्ट का स्कोर कार्ड अपलोड किया था उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ कमेंट्स आए थे दैट दिस इज़ इररिलेवेंट सोर्स एंड ऑल। सो मैं यही बोलना चाहूँगी, कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं होता। आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बिकॉज प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। बट यस, फॉर मेंस यू नीड टू बी सेलेक्टिव कि किस तरह का कंटेंट है, कैसी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, तो आपको उसके लिए सोचना चाहिए। बट फॉर प्रीलिम्स आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ध्यान देना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं से भी होनी चाहिए। सो जस्ट अटेम्प्ट क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट एंड मिनी मॉक्स फ्रॉम एनी वेयर। एंड येस, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं प्रीलिम्स पे इतना मैं कोई प्रीलिम्स की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। मुझे कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट या कोई भी फ्री टेस्ट अगर किसी प्लेटफॉर्म पे दिख जाता है तो मैं अटेम्प्ट कर देती हूँ बिकॉज उससे क्या रहता है, आपकी स्पीड भी बनी रहती है। सो मैं नहीं चाहती कि मेरी स्पीड थोड़ा इधर उधर हो जाए। बट येस, जैसे एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ होंगी तो मैं 2021 की अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं की है। सो बिफोर प्रीलिम्स आई विल स्टार्ट, एंड यस, उससे पहले मैं 30 से 40 मॉक दे देती हूँ जैसे मेरी जो स्पीड या कुछ भी एक्यूरेसी वगैरह कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो उससे मतलब बिल्डअप हो जाए अगेन। बस बाकी मेरा मेन फोकस मेरे मेंस पे है बिकॉज इतने सालों से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मेरी प्रीलिम्स की कमांड है, बट मेंस मेरा नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। सो आप लोग भी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ना कि सोर्स पे। सारे सोर्स अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून टू माई चैनल।